और इस वक्त हिसार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी पर हमला किया गया। किसानों ने बीजेपी सांसद की गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। और आपको बता दें कि जांगड़ा समाज की धर्मशाला का शुभारंभ करने पहुंचे थे सांसद। किसानों की तादाद पुलिस से ज्यादा थी, उपद्रवी किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ये बात सांसद की तरफ से कही गई है। मांग उनकी तरफ से की गई है कि जिस तरीके से ये हमला किया गया है, इन उपद्रवी किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये देखिए उनके गाड़ी के शीशे किस तरीके से टूटे हुए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां का ये पूरा मामला है। कहा जा रहा है कि वहां पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस से ज्यादा संख्या में यहां पर किसान मौजूद थे और वहां पर उन लोगों ने हंगामा किया, उपद्रव किया और सांसद की गाड़ी पर हमला किया। और चलिए एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हरियाणा के रोहतक में बीजेपी नेता को बंधक बनाया गया है। किसानों ने बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर को बंधक बनाया। कृषि कानून के विरोध में बीजेपी नेता को यहां पर बंधक बनाया गया। इससे पहले आपने देखा कि बीजेपी के सांसद की गाड़ी पर हमला किया गया, गाड़ी के शीशे तोड़े गए और अब खबर यह है कि रोहतक में बीजेपी के एक नेता को बंधक बना लिया गया है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ देखिए सांसद की गाड़ी पर हमला किया गया और दूसरी तरफ सांसद को वहां पर बीजेपी के एक नेता को बंधक बना लिया गया। कृषि कानून के विरोध में ये यहां पर हंगामा हो रहा है। और देखिए हालात किस तरीके के हो गए हैं, जहां पर पुलिस बल कम पड़ रही है और किसान ज्यादा नजर आ रहे हैं, वहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं पर बीजेपी सांसद की गाड़ी पर हमला किया जा रहा है, शीशे तोड़े जा रहे हैं, तो कहीं पर बीजेपी नेताओं का बंधक। ये तस्वीर तब सामने आ रही है जब किसान नेता बार बार ये कहते हैं कि हमारे इस आंदोलन में कहीं भी हिंसा का कोई स्थान नहीं है, हमारे इस आंदोलन में कहीं भी तोड़फोड़ का कोई स्थान नहीं है। तो फिर सवाल है कि ये तस्वीरें झूठ बोल रही है क्या? बीजेपी के सांसद के गाड़ी के शीशे तोड़ डाले गए, दूसरी तरफ बीजेपी के एक नेता को वहां पर बंधक बना लिया गया। हालांकि पुलिस उसके बाद वहां पर ज्यादा संख्या में नजर आई। ये दो तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं कि आखिर इस किसान आंदोलन के नाम पर, विरोध प्रदर्शन के नाम पर आखिर चल क्या रहा है। दोनों ही तस्वीरें हरियाणा की तस्वीर है, एक तस्वीर है हिसार की, दूसरी तस्वीर है रोहतक की। और देखिए गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है, गाड़ी का टायर पंचर नजर आ रहा है तस्वीरों में, और दूसरी तरफ किस तरीके से भारी संख्या में जो तस्वीर में आप देख सकते हैं, पुलिस और साथ ही साथ जवान यहां पर तैनात है और किसान भी कहीं ना कहीं, क्योंकि बंधक यहां पर बीजेपी नेता को बनाया गया है। 9 महीने का से ज्यादा का समय हो चुका है जिसमें किसान आंदोलन चल रहा है, और इस आंदोलन में हमने हर एक तस्वीर देखी है कि किस तरीके से उपद्रव किया जाता है, मारपीट की जाती है, हिंसा की जाती है, आगजनी की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है।